JNAC द्वारा अतिक्रमण को लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। आम बगन साक्षी के पास सना कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट नहीं होने के वजह से और बेसमेंट के जगह पर दुकान चलने की स्थिति में आज JNAC ने सारे अवैध अतिक्रमण करके बनाए गए दुकानों को JCB द्वारा ध्वस्त किया गया। जब JNAC अतिक्रमण को हटाने के लिए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची तो उनको वहां के दुकानदारों द्वारा भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तनाव बढ़ता देख मौके पर साक्षी थाना को बुलवाया गया। अतिरिक्त फोर्स को बुलवा कर भीड़ को हटाया गया। कई दुकानदारों ने अपने दुकान के पेपर भी दिखाए, लेकिन JNAC के अधिकारियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब नक्शे में बेसमेंट दिखाया गया है, लेकिन ये बिल्डिंग में अभी बेसमेंट की जगह दुकान चल रहे हैं। इसीलिए कानून के तहत पहले नोटिस दिया गया, फिर अवैध अतिक्रमण करके बनाए गए दुकानों को सील किया गया। अब अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि पूरे जमशेदपुर में, खासकर साक्षी बिष्टुपुर जो कि जमशेदपुर का सबसे बड़ा कमर्शियल बाज़ार है, कितने सारे इस तरह के बिल्डिंग हैं जिसके बेसमेंट को गायब कर दिया गया है और बेसमेंट में दुकानें चलाई जा रही हैं। तो ये JNAC द्वारा सारे बिल्डिंगों को अवैध तरह से दुकानों को हटाया जाएगा। हाईकोर्ट रांची झारखंड ने भी अतिक्रमण को लेकर सख्त आदेश दिया था कि इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग हैं जहां नक्शे में बेसमेंट हैं और उनमें अवैध तरीके से दुकानें चल रही हैं या उस जगह को किसी और काम के लिए उपयोग किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, या फिर नक्शा विचलित कर अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाया गया है उस पर कार्रवाई हो। जमशेदपुर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। सीलों को हमको लक्ष्य दिया गया था और पार्किंग में अवैध रूप से कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया और उसके आलोक में जो है कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ अप्रिसिएट भी कर रहे हैं कि नई पार्किंग प्लेस में जो है कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर रेसिडेंशियल है और नीचे पार्किंग जो है लोग ग्राउंड में लगाते हैं और रोड पर लगा देते हैं, तो ये मानवता के खिलाफ ही है क्योंकि पार्किंग प्लेस में गाड़ियों का होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, ख़ास करके जो लोग कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं अपने बेसमेंट में, वो खाली कर ले, अन्यथा कल उनका भी बारी आएगा और लगातार ये अभियान चलेगी, क्योंकि पार्किंग प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का ही उसमें लगाना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें एक अच्छे शहर की, तो अच्छे शहर के रूप में हम लोग सभी को सोचना चाहिए और जमशेदपुर निसंदेह एक अच्छा शहर है, इसमें पार्किंग व्यवस्था को कमर्शियल एक्टिविटी में ना लगाएं, बल्कि एक अच्छे नागरिक का उदाहरण देते हुए वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करें। सर, आज जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, मतलब इस तरह का काम धीरे धीरे तो ये परंपरा आगे बढ़ेगी और जो चिन्हित बिल्डिंग है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सटक तोड़ दिया गया, वो तो दरअसल नाजायज है। वो मेरा अपना प्लेस में था, अब मेरा पूरा ओपन कर दिया है। अभी लोग चोर चुमार लोग को घुसने का मौका मिल गया। रात को हम लोग बंद कर देते, सेफ रहते थे, अब हम लोग का सेफ्टी खत्म हो गया है। अब रहा सवाल हम लोग का, जितना जगह हम लोग का अपना था 12 फीट के अंदर ही हम लोग का जगह था, उसको भी ये लोग तोड़ ताड़ कर दिए। बोलने पर बोलते नहीं, आप लोग बाद में बात कीजिए, अभी तोड़ने दीजिए। इससे पहले कोई नोटिस दिया था? नोटिस दिया, उसके बाद हम लोग पेपर भी देखा है, ठीक है, उसके बाद फिर आ जाके तोड़ दिए। आज पेपर देखा तो देखने का तैयारी नहीं है।